आर यू सरप्राइज्ड? आप जो कुछ रात हम डिस्कस कर रहे थे वो स्टिल अभी हम देख रहे हैं, अभी भी बहुत सारे नतीजे नहीं आए हैं और जो आ रहे हैं अब उससे सिर्फ झटके ही लग रहे हैं सबको, तो हाउ डू यू सी सर ये इलेक्शन, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, कौन इसको मानेगा? अस्सलाम वालेकुम समीना साहब, आपको भी और बाकी जितने अहबाब बैठे हैं और नाज़रीन सबको अस्सलाम वालेकुम। आपने समीना इसाबे कहफ का किस्सा पढ़ा कुरान शरीफ में? यकीनन पढ़ा होगा। जी जी, इसाबे कहफ। जी जी, सेवन स्लीपर्स डेन। जी डॉक्टर साहब। जी समीना, आपने इसाबे कहफ का किस्सा पढ़ा कुरान शरीफ में? कहफ है या कहफ है? मैं अभी उसको कोट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसमें जरा पर्टिकुलर चीजें हैं, लेकिन आप कंटिन्यू करें। जी सर। जी नहीं नहीं, मैं सिर्फ मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबको इसाबे कहफ का किस्सा याद है ना? जी याद है। डॉक्टर साहब आगे चलें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जब गार में वो गार में गए थे, जाके सो गए थे, उसके बाद वो बाहर निकले तो दुनिया तब्दील हो चुकी थी। हाँ जी, ऐसे ही है ना? तो हम सब भी कहीं गार में अपने घरों में सोए, डॉक्टर साहब गारों में नहीं सोए। हाँ मतलब है कि हम जहाँ पर भी सोए थे, बहरहाल सुबह में आए तो किस्सा काफ़ी तब्दील हो चुका है या होता हुआ नज़र आया। तो मैं दो तीन बातें सिर्फ यहाँ पे कहूँ। देखें मौजज़ा हो गया, मौजज़ा। यहाँ सूरत हाल जो इस्लामाबाद में है वो ये है कि इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन कमीशन और ये सारे मामला तो अब एक तरफ चले गए, ठीक है। अच्छा, दो गवर्नर्स यानी दो सूबे ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल पोजीशन वाजे हो चुकी है यानी इलेक्शन कमीशन के अपने मुताबिक। एक जो है वो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, हो चुकी है, इसलिए गवर्नर अब इस बात के पाबंद हैं कि वो वहाँ पर हुकूमत साजी का जो है वो एक ईमान तलब करें और हुकूमत साजी के लिए कहें अक्सरीती जमात को। अच्छा, अक्सरीती जमात जो है, जी अक्सरीती जमात जो है वो गालिबन वहाँ पर तो आज़ाद अराकीन है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है कि वो वहाँ पे आज़ाद अराकीन को किस तरह कॉल करेंगे या क्या, वो एक मामला भी फंसा हुआ है। दूसरा, सिंध के अंदर जो है वो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नज़र आ रही है बहुत सारी सीटों पे, लेकिन कराची का कुछ सर पैर नहीं है क्योंकि वहाँ पर यह सूरत हाल है कि वहाँ पर भी जो गवर्नर्स हैं ये यानी आप देखिए ना, पंजाब में सियासी गवर्नर हैं जो कि नहीं होने चाहिए, सियासी पार्टी के गवर्नर तो नहीं होने चाहिए ना। गवर्नर तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है जो कि गैर सियासी होता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे सूबों में भी सियासी गवर्नर्स हैं। अच्छा, अब जो सियासी गवर्नर्स हैं तो वो इजलास, मिसाल के तौर पे सिंध में जो सियासी जाहिर है हमारे इंतहाई काबिल एहतराम गवर्नर हैं, लेकिन ये कि वो जो सियासी अगर वो कौमी सूबाई असम्बली का इजलास तलब करते हैं तो कराची के अंदर तो फटा पड़ा हुआ है। कराची में एमकेएम ऐलान कर चुकी है और कराची में जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ऐलान कर चुके हैं, वो भी नहीं मान रहे नतीजे को, एमकेएम ऐलान कर चुकी है और मुख्तलिफ सीटें जो हैं उनके मामला अभी उलझे हुए हैं। अच्छा, फिर एक तो इसका ये पहलू हो गया, यही मामला राजा परवेज अशरफ साहब के साथ है क्योंकि उनके अभी यहाँ पर यह कन्फ्यूजन है कि क्या नतीजे जो यानी तीन दिन जो काउंट होने थे आज़ाद अरकान के लिए, क्या वो काउंटिंग अल रात से शुरू हो गई या अभी वो शुरू होगी हतमी ऐलान के बाद। कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो बड़े अलामती होते हैं यानी उनकी हम कहेंगे जी इतनी सीटें किसी सियासी जमात की हैं, इतनी सीटें नहीं हैं, इतनी सीटें आज़ाद हैं, कुछ अलामतें होती हैं। मिसाल के तौर पर मुझे उस ज़हीन शख्स की तलाश है जिसने पूरे पाकिस्तान को छोड़ के मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक महफूज तरीन सीट दिलवाई मांसहरा की और मियाँ साहब वहाँ से हार गए। इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनके पास एक सीट है, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा से। सिराजुल हक साहब हार गए, जहांगीर तरीन साहब हार गए। अच्छा, मुझे जहांगीर तरीन साहब ना सिर्फ हारे बल्कि मैं ये गुमान कर सकता हूँ कि वो अपने दिल में इस वक्त कोस रहे होंगे बैठ के कि ये मैं दोनों सीटें हार गया तो ये ओन चौधरी कैसे जीत गया। देखिए ना, पार्टी का एक अजीब सूरत हाल बनी ना, ओन चौधरी जीत गए और जहांगीर तरीन हार गए। अच्छा, इसी तरह से जो है वो आताब शेरपा हार गए। इसी तरह से परवेज खटक साहब मुकम्मल तौर पे यानी जिसे कहते हैं कि साफ हो गई, धुलाई हो गई पार्टी की।
एमएल वली खान साहब एक बड़ी सियासी जमात जाहिर है एक जमाने में रही है उनकी तारीख है, वो मुकम्मल तौर पे और अमीर हैदर होती साहब तो कह रहे हैं कि मैं अलग और इस्तीफा दे रहा हूं। अब सवाल ये है कि यहां पर वही बात आ गई कि अब हो गए 84 हो गए आजाद अरकान 198 में से, और यकीनन अगर ये ट्रेंड रहता है 59। अच्छा, उधर नवाज शरीफ साहब ने शायद ऐलान कर दिया कि विक्ट्री स्पीच करेंगे। अब अगर सभी ने विक्ट्री स्पीच कर दी, सब कर चुके हैं ना विक्ट्री स्पीच, अली जफर साहब कह चुके हैं कि हमारी अक्सरियत है और वो केपी किया, ठीक है राइट। अब मैं रात को ये बात कह रहा था आरिफ भट्टी साहब से कि भट्टी साहब हम भी अपनी अपनी विक्ट्री स्पीचेस करके चले जाते हैं क्योंकि मुझे ये बताएं कि सबने विक्ट्री स्पीचेस कर दी तो मुल्क में मियां साहब अकेले रह गए। उधर जरदारी साहब ने भी कह दिया हम जीत चुके हैं, अगली हुकूमत हम बनाएंगे, उधर वो भी हो गया, उधर वो भी हो गया, वो दिव्य। तो ये मुल्क जो है अल्लाह ताला खैर करे ये किसी अच्छे रुख पे नहीं जा रहा इस वक्त। कल आप भी फरमा रहे थे कि इस्लामाबाद में जश्न, और मैं भी कह रहा था लाहौर में फलां फलां आदमी बजाहिर जो इंफॉर्मेशन इब्तदाई आ रही थी वादिया जीत के एक बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून जिसकी क्यादत अपने दरवाजे लाइटें बंद करके तशरीफ ले गई। आपने भी सारी उम्र इलेक्शन कवर की है, कभी इतना हुआ कि आप 24 घंटे बाद इतना रिजल्ट चेंज हो जाए कि 50-60 सीटों का फर्क पड़ जाए, ये कैसे हो गया, कैसे पॉसिबल हुआ है आपके ख्याल में? देखिए भट्टी साहब, आपको और काजी साहब को और समीना और फरीहा और इमरान साहब को और सारे अहबाब को मैंने इस इलेक्शन से एक सबक सीखा है, और आपको मेरा एक मशवरा है कि ज़िंदगी में आपके पास अगर आके कोई ये कहे कि भट्टी साहब तुसी एंज करो साड़ी गल हो गई है, तो आप उस आदमी को सबसे पहले एक चपेड़ मारें। ये जो साड़ी गल हो गई है ना, ये साड़ी गल हो गई ना मरवा दी है सबको, ठीक है। उसके नतीजे वो सही था, वोट को इज्जत दो वगैरह वो सारा सही था, ये साड़ी गल हो गई है जब से बात चलना शुरू हुई है ना, तो हमारा तो मसला ही नहीं, हमारी तो बात तय हो गई है, हमारा तो कोई इशू, ये साड़ी गल हो गई है ने सबको मरवा दी है, ठीक है। वेरी राइट। किसकी गल किसके साथ हुई थी, किसकी गल किसके साथ नहीं हुई थी, कौन की ये सब के सब जो है ना इस वक्त सर पकड़ के बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि यार ये सड़ी गल हो गई है, ये किस कहां पर किसी की गल किसी तो के मैं ज़िमनन सवाल कर दे तो क्या जो मौजूदा सूरत हाल है जो आप जो पीटीए के हमायती याफ्ता हैं और जो दीगर जमातें हैं, क्या जो हुकूमत बनेगी मुस्तकम होगी और मुल्क को इस क्राइसिस से निकाल सकेगी और सियासी इस्तेकाम आएगा? आपका तजर्बा इसमें क्या कहता है? बहुत मुस्तकम। मैं आपको हकीकतन एक अजीबोगरीब बात बताऊं, आप सुन के परेशान हो जाएंगे। आजाद अरकान ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है कि अगर आप आपने छोड़ के इधर आना है तो हमारे पास आ जाए। यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है जी जी। उस वक्त नेट बंद था, अभी मेरी किसी आजाद रुकन है बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उनसे मेरी बात हुई, कहते हैं यार डॉक्टर साहब कोई तरीका है हमसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के एक दो लोगों ने रब्ता किया है तो ये फ्लोर क्रॉसिंग की जद में तो नहीं आ जाएंगे? कहते अच्छे लोग हैं हमारे दोस्त हैं हमारे साथ आ जाएं, वो भी तो हम एक ग्रुप बना के आजाद ज्यादा हो जाएंगे। मतलब अजीब और गरीब सूरत, मैंने कहा ना आपसे अजीब सूरत हाल डेवलप हो गई है कि इसमें जो है वो देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़े इत्तेहादी के तौर पर साथ आना था ना, उनकी एक सीट है तो आईपीपी ने बड़े इत्तेहादी देखिए 6-7 सीटों पर आप मुझे जरा तस्दीक कीजिएगा मैं गलत हूँ, 6-7 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज हुई थी उनके साथ और बड़ा कड़वा। अब राणा सनाउल्लाह हार गए, अब मुझे बताएं ख्वाजा साद रफीक हार गए, रोयल अजगर साहब हार गए, ये अलामतें हैं। राणा सनाउल्लाह हार गए, ये वो लोग हैं जो बड़े यानी पावरफुल, आबिद शेर अली हार गए, राणा सनाउल्लाह हार गए। अब कोई गुमनाम सा आदमी हो तो मैं कहूंगी जी वो चले हार गए। अब यानी ये वो है जो जिनके बगैर अच्छा यानी वो हार गए और नवाज शरीफ साहब के साथ ओम चौधरी खड़े हैं, जहांगीर तरीन भी हार गए। यानी आप मतलब मैं इसका एक मंजर कशी सोच रहा हूं कि ये क्या तमाशा है कि साद रफीक हार गए हैं, राणा सनाउल्लाह हार गए हैं, उधर ख्वाजा आसिफ का रौला पड़ा हुआ है, उनकी जो उस्मान डार की वालदा है वो मैसेज किए जा रही हैं, वो गालिबन अदालत में जा रही हैं उधर से, और ओम चौधरी जीत गए। अब मुझे सर ओम चौधरी पौने 2 लाख वोट लेकर जीत गए, नवाज शरीफ साहब से ज्यादा वोट लेकर जीत गए हैं। मैं तो कह रही हूं उनको कैंडिडेट बना देना वजीर आजम का।
लेकिन डॉक्टर साहब आपने अभी जो कहा ना कि विक्की स्पीच सब लोग दे रहे हैं, अपने हारने का इतना दुख नहीं होता जितना जो सामने वाला जीत जाता है उसमें ज्यादा उसका ज्यादा दुख होता है। नहीं, एक और भी एक पॉजिटिव बात हुई है, बहुत बहुत पॉजिटिव। जहां साहब देखिए ना, अगर ये मामला होता नवाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का और नवाज शरीफ साहब का और किसी, अब ओन चौधरी यार मैं अब इस पे क्या कमेंट करूं अच्छा डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब अताउल्लाह तारड़ को इस वक्त मुबारकबाद दें या उसको उनको एक चपत रसीद करें, क्या करें? मुझे नहीं ये तो देखें, विंस्टन चर्चिल के बाद अगर कोई शख्सियत हमें मिली है तो वो तो हमें अता तारड़ साहब मिले हैं।